देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इस्लाम और मुसलमान को मैंने पारस पत्थर कहा था। ये वो पारस पत्थर है जो किसी को भी सोना बना दे, और आज जो हालात हमारे देश के अंदर हैं वो लगभग वैसे ही हैं। अगर कोई चीज मुसलमानों से छू जाए या इस्लाम से छू जाए वो सोना हो जा रही है। चाहे भारतीय राजनीति हो, चाहे सामाजिक तानीबाना, आखिर में सरकार का क्या सहारा है? फिर वही पारस पत्थर, मुसलमान और इस्लाम। नहीं कुछ मुद्दा मिल रहा था तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को उठा लिया गया। एटीएस ने ये कहा कि इन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये चीजें कोर्ट में साबित कर पाओगे? क्योंकि हमने देखा, इस देश ने देखा, ये भारत ने देखा कि आप लोग ने बहुत बढ़ चढ़ कर कार्रवाई की और औंधे मुंह कोर्ट में गिर गए। भूल गए हो तो याद दिला दूं क्या? योगी जी के कट्टर दुश्मन गोरखपुर का वो डॉक्टर जो छोटे छोटे बच्चों के ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी आप ही की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस डॉक्टर के ऊपर रासुका जैसा केस दर्ज करा दिया। बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने डंके की चोट पर उसका स्वागत किया, उन लोगों ने स्वागत किया जो मुसलमानों से नफरत करते थे। क्या हुआ? 7 महीने बाद वो इंसान बाइज्जत बरी हो गया, वो भी कहां से? इलाहाबाद के हाईकोर्ट से। क्योंकि जब जब आप लोगों ने अति उत्साह में कोई कदम लिया है, क्योंकि अब तो चुनाव भी सामने है, सबको पता है जब तक हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रधानी का चुनाव ना जीत पाए। देश में अगर हिंदू मुसलमान ना करे ये भाजपा, तो उनकी कोई औकात नहीं है कि एक वोट भी वो जीत ले। अपने उन हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए मुसलमानों की बलि तो चढ़ा ही गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो आज कैसे पीछे रह जाएगा? ऐसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिस तरह से कार्रवाई के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को आरोपी बनाकर जेलों में ठूसा जा रहा है, बाद में यही आरोपी इन्हीं प्रशासन के मुंह पर थूकते हुए बड़े सम्मान के साथ कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। और देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि बाइज्जत बरी होकर आने वाला इंसान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर थूक के चला जाता है।